हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही क्रिकेट में, ठीक है, मैं इस चैनल पे ज़्यादातर जो है न्यूज़ और क्रिकेट की बातें शेयर करता हूँ, लेकिन पिछले एक महीने से जब से लॉकडाउन हुआ, जब से ये पेंडेमिक हुआ ना, दुनिया में जितनी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स सब कुछ बंद हो गया है या पोस्टपोन हो गए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट सब बंद हो गए, ठीक है। पाकिस्तान में भी क्रिकेट बंद हो गई, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती बंद हो गई, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, एक अजीब तरह का सिस्टम आया हुआ है। हर फॉर्मर प्लेयर दूसरे फॉर्मर प्लेयर के पीछे बातें कर रहा है और पुरानी बातें कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। आज उन पर डिटेल में बात करेंगे और मैं हर एक एक बंदे को पर्सनल जाकर रोस्ट करूँगा। यार, वो प्लेयर मेरे भी पर्सनल फेवरेट प्लेयर्स है, लेकिन वो फजूल की बातें कर रहे हैं। बस जो हो गया सो हो गया। पर वो बोलते हैं ना, रात गई तो बात गई। लेकिन जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इनको न्यूज़ में आने का शौक है और कंट्रोवर्सी फैलाने का शौक है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं शुएब अख्तर की। हम सबको पता है शुएब अख्तर कितना बड़ा लेजेंड है। सीरियसली, शुएब अख्तर की इज्जत मैं करता हूँ, ठीक है। शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। शुएब अख्तर ने ये स्टेटमेंट दे दिया, फिर वहाँ से इंडिया से रिप्लाई आया। कपिल देव ने रिप्लाई किया कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमने सीरीज नहीं खेली, ठीक है। फिर दोस्तों सुनील गावस्कर का रिप्लाई आया कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज खेल ही नहीं सकता, अगर लाहौर में बर्फबारी हो जाए ना तब भी पाकिस्तान इंडिया सीरीज नहीं खेल सकता, ठीक है। फिर शाहिद अफरीदी ने शुएब अख्तर को डिफेंड किया कि कपिल देव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सुनील गावस्कर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम तो क्रिकेट के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा पैसा जनरेट हो जाए, वो ठीक हो जाए। फिर उसके बाद आता है हमारा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, जो अभी मैच फिक्सिंग में 2010 में हुआ था, कहते हैं कि फिक्सिंग तो हर कोई करता है, मेरे से पहले भी लोग फिक्सिंग करते थे, मेरे से बाद भी लोग फिक्सिंग करते थे, लेकिन मुझे चांस देना चाहिए। मोहम्मद आसिफ का स्टेटमेंट। फिर उमर अकमल पे बैन लग गया, उमर अकमल पे 3 साल की पाबंदी लग गई, ठीक है। फिर शुएब अख्तर ने वीडियो बनाई जिससे शुएब अख्तर ने पीसीबी को सही रोस्ट किया। फिर उसके बाद उसे तफज़्वुर रिज़वी को रोस्ट किया। फिर पीसीबी और शुएब अख्तर का क्लैश हो गया, उनको लीगल नोटिस भेजा, ये हो गया, वो हो गया, ठीक हो गया। फिर आते हैं और भी, अब फिर इजाज़ अहमद के फिक्सिंग के खुल रहे हैं, बीच पे सलीम मलिक पे खुल रहे हैं। सलीम मलिक कहते हैं मुझे सेकंड चांस चाहिए, मैंने फिक्सिंग नहीं की, मुझे सेकंड चांस चाहिए। सलीम मलिक पे आ गए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बासित अली पर आ गए। इंतखाब आलम बोलता है कि बासित अली ने भी मैच फिक्सिंग की है। फिर उसके बाद सिकंदर बख्त आ गए, वो भी कहते हैं कि लोगों ने फॉर्मर प्लेयर्स ने फिक्सिंग की है, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनस और इंजमामुल्लाह, इनने भी फिक्सिंग की है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया राणा नवीदुल हसन कहता है कि 2009 की सीरीज जो यूएई में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान वो सीरीज जानबूझ खा रहा था कि यूनस खान को कप्तानी से हटाया जाए। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही। पूरी दुनिया में लोग कह रहे कोरोना वायरस खत्म हो, हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स है एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे कि ये गलत है। पुरानी रिपोर्टें खो रही है कि पाकिस्तान 1999 का वर्ल्ड कप जानबूझ कर रहा था, 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जानबूझ कर रहा था। पता नहीं हमारी फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे क्या। जावेद मियादाद कभी मोहम्मद कमरान अकमल के पीछे बोलते, कभी उमर अकमल के पीछे बोलते, पर्सनल स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं। हमारा जब्दो रजाक है वो कभी हार्दिक पांडे के पीछे बोलते, कभी क्या बोलते। यार, इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग है। इंडिया कहते हैं हम पाकिस्तान से खेलते ही नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स, वो इंडिया के पीछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर इनके खिलाफ पता नहीं चल रहा क्या। पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, लेकिन हमारे फॉर्मर प्लेयर्स पता नहीं चाह रहे क्या है। मैं सब फॉर्मर प्लेयर्स की दिल से इज्जत करता हूँ, स्पेशली शुएब अख्तर की, अब्दुल रजाक की, और शाहिद अफरीदी की, और बासित अली की। मुझे पता है ये प्लेयर्स ऐसे नहीं है। और बासित अली, जो मैंने बासित अली को जहाँ तक देखा, उसके तस्दीय देखे ना, बासित अली मैच फिक्सिंग कर नहीं सकता। जो हमारा पुराना इंतखाब आलम है वो बोल रहा है बासित अली ने फिक्सिंग की, ये की है, वो की है। पता नहीं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स क्या रखे। पीसीबी को चाहिए इन सब के खिलाफ एक्शन ले और एक कमेटी बनाए, और जो जो ऐसे करते हैं उनको एक लीगल नोटिस दे के, जो ऐसे करेगा उस पर 5 लाख या 5 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। पता नहीं सोच रहे क्या है। अल्लाह मेरा, मैं तो एक महीने से मैं यही बना रहा हूँ कि आज इसने ये बोला। आप पिछले मेरे एक महीने की वीडियो देखे, इसने इसको रिप्लाई बैक दिया। मैंने कहा आज मैं दिल खोल के पढ़ा सकती निकालूँ कि ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे थे। दुनिया के फॉर्मर प्लेयर्स वो क्रिकेट के लिए तब्दीली के बात कर रहे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, या हमारे प्लेयर्स जो है पीछे की दुम काटते, किसी और की दुम काटते। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे क्या। मैं सब फॉर्मर प्लेयर्स की दिल से इज्जत करता हूँ। यार, जिसने मैच फिक्सिंग की है अपने करियर में की, अपना दीन ईमान बेचा है, लेकिन अब क्यों ये जो हेडलाइंस है, ये इंडिया में भी जाती है, यूएई में जाती है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में जाती है।
लेकिन पता नहीं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही, खाली एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपने अपने फजूल फजूल बातें कर रही। जो हो गया अब पुरानी रिपोर्टें खो रही है, पीसीबी के पुराने पुराने जो चेयरमैन है वो आके बोल रहे कि इसने मैच फिक्सिंग की, इसने मैच फिक्सिंग की। जब तुम चेयरमैन थे, जब तुम कप्तान थे, जब तुम कुछ थे तो तब आके बोलते ना, तब तुम्हारे मुंह पे जबान लगी हुई थी। और जब तुम पीसीबी के सेंट्रल लीग कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे तब तक तुम कुछ नहीं बोलते। जब पीसीबी तुम लोग की रिटायरमेंट हुई थी, जब तुम लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाते, तुम लोग की जबाना की खुल जाती है, किसने भी मैच फिक्सिंग की, इसने भी मैच फिक्सिंग की, इसने भी मैच फिक्सिंग की है, हमने पूरी टीम ने अंडर परफॉर्म किया यार। सीरियसली मैं इस झमेले से बहुत ज़्यादा तंग आ गया, पता नहीं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे क्या है। मैंने आज एक वीडियो देखी थी ना, उसमें उसने भी प्लेयर्स उसमें कहते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स का कोई नाता ही नहीं है। इंडियन प्लेयर्स बोलते हैं हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। अभी पाकिस्तान और इंडिया की वोमेंस टीम की भी बायलेटरल सीरीज सीआईसी ने दोनों को पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसकी वजह से इंडिया टीम जो 2021 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रही है। लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स टीम बोल रहे कि हम इस पे भी करेंगे, हम इस पे भी करेंगे, हम इस पे भी करेंगे, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा डिटेल में वीडियो बनाकर सही यार, मैं रोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने दिल का हाल बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कर रहे क्या है। मैं एक बच्चा हूँ, बंदा हूँ, जो भी हूँ ना, जो क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, वो ये सोच सकते कि पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स गलत कर रहे हैं। तो वो 30-40 साल से इसी फील्ड में क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट कर रहे, बातें कर रहे, तो उनके दिमाग में नहीं आता कि दुनिया में पाकिस्तान की इमेज कैसे जाएगा, पाकिस्तान की प्रोफेशनल प्लेयर्स का इमेज कैसे जाएगा। हम सबको पता है पाकिस्तान को अगर क्रिकेट से हटा दो ना तो क्रिकेट में बिल्कुल मज़ा नहीं रहेगा। हर टीम कहती है कि पाकिस्तान टीम जो है अनएक्सपेक्टेड टीम है, वो जिम्बाब्वे से भी हार देगी और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगी, पाकिस्तान टीम ही है। लेकिन पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स पता नहीं कर रहे क्या है, कभी बासित अली पे डाल रहे। अब एक न्यूज ये भी आई थी कि सलीम मलिक पे भी डाल दिया, सलीम मलिक ने मैच फिक्सिंग की, सब ने मैच फिक्सिंग, सब चांस मांग रहे। यार आप लोगों ने रूल्स गलत सेट की है। जब कोई बंदा टैलेंटेड प्लेयर था उसको ना आप कोचिंग में लाते, ना उसको आप क्रिकेट में वापस लाते, ना आप उसको किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में लाते ही ना। आपने एक दफ़ा गलत काम कर दिया पीसीबी वालों ने, जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे उनको क्रिकेट में लाया था। अब जो टैलेंटेड प्लेयर है वो हर बंदा कहता है कि मुझे चांस चाहिए। अब सलीम मलिक जो उस पर पाबंदी लगी थी, लाइफ टाइम पीसीबी ने पाबंदी लगाई थी, अब सलीम मलिक भी चांस मांग रहे। आपको एक मेन मिसाल दूंगा दानिश कनेरिया की। दानिश कनेरिया की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, दिल से, क्योंकि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर था। लेकिन दानिश कनेरिया ने 4 साल तक जियो सुपर पैकर बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। इंडिया में उसका एक इंटरव्यू था, उसने वहाँ जाकर सब वर्गला दिया कि ये मैंने किया, इसकी वजह से मैंने पाबंदी। फिर तुम आकर जियो न्यूज़ पर और जियो सुपर पर जिस जो भी चैनल था लाइव पे क्यों झूठ बोल रहे थे कि मैंने नहीं किया, मुझ पर नहीं किया, मुझ पर ऐसी पाबंदी लगा, ये किया वो किया। या तुम बुकी से मिलो, या तुम्हारा बुकी से रब्ता हो, या तुमने मैच फिक्सिंग की हो या मैच फिक्सिंग ना की हो, जब तक तुम जाकर पीसीबी को नहीं बताओगे ना तब तक तुम ठीक हो। अगर तुमने पीसीबी को ना बताया तो तुम गुनहगार हो, तुम पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की पाबंदी लग सकती है। यही केस उमर अकमल पे हुआ है। उमर अकमल बुकी से बात कर रहा था, लेकिन उमर अकमल ने ना मैच फिक्सिंग की ना स्पॉट फिक्सिंग की है, लेकिन पीसीबी ने उस पर 3 साल की पाबंदी लगा दी है। तो मैं यही इल्तिजा करूँगा अपने फॉर्मर प्लेयर से कि प्लीज़ आप लोगों ने अपना टाइम गुजार ली है, अभी आप लोग जिस पौधे पे भी हो, या पीसीबी के पौधे पे हो, या अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, या क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हो, प्लीज़ पुरानी बातों को ना करे दो। पुरानी बातों से कुछ भी नहीं निकलता। पुराने प्लेयर्स ये बोल रहे कि बॉल टेम्परिंग होती थी, अभी बॉल टेम्परिंग नहीं थी। हम डोमेस्टिक में भी बॉल टेम्परिंग करते थे तो डोमेस्टिक के अंपायर मरे हुए थे कि बॉल टेम्परिंग वो नहीं देख सकते। सीरियसली ये सब शिट है। इनके पास और कोई काम नहीं, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे। करोना वायरस को देखो यार, करोना वायरस को देखो, दुनिया में कितने कितने लोग मर रहे, लेकिन हमारे फॉर्मर प्लेयर अजीब चवलियाँ मार रहे, अजीब बातें कर रहे कि ये प्लेयर टेंटेड, ये भी प्लेयर टेंटेड। मैंने यार सीरियसली मेरा दिमाग शार्ट होता है यार, जब भी मैं न्यूज़ ये सुपर पे एक हेडलाइन चलती है उस पर कि इसने इसके खिलाफ बात बोल दी। और स्क्रोल कर दो फेसबुक पे, कभी इसने इसके खिलाफ बात बोल दी। यार प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कि हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ कि फॉर्मर प्लेयर्स तुम लोग चुप हो जाओ बस। आप लोगों का काम है, अगर जो क्रिकेट कमेटी में, उनका काम है कमेटी में, जो सिलेक्शन में उसका काम सिलेक्शन में, जो अपना ऑन बिजनेस करे वो करे, कोई क्रिकेट की फील्ड में वो कोचिंग करे, लेकिन पुरानी बातें छोड़ दो। जो शोएब मलिक ने, जो मोहम्मद आमिर ने करना था कर दिया, जो सलीम मलिक ने करना था कर दिया, जो वकार यूनुस ने, शोएब मलिक ने, शोएब अख्तर ने, जितने जो से भी प्लेयर है जिसने जो करना था कर लिया, लेकिन अब ठीक हो गया। आराम आप प्लेयर्स ने हमें पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। मैं मानता हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीता, T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उसने पाकिस्तान का मैच फिक्सिंग में भी बड़ा नाम खराब किया।
तो मैंने इस वीडियो में अपनी दिल की भड़ास निकाली थी फॉर्मर प्लेयर से, इल्तिजा कि प्लीज़ ये ज़रा स्टेटमेंट्स मत दो और इससे कुछ भी नहीं होता, सीरियसली कुछ नहीं होता, पाकिस्तान की खाली बदनामी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ ये जो मैंने दिल भड़ास वाली वीडियो बनाई इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि फॉर्मर प्लेयर्स तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।